Good morning, friends. I hope you have written all the questions of chapter 4 because I have sent this picture in group. So today I am going to start a new chapter, that is separation of substances. So I will discuss here separation of substance, why separation of substance is important. तो सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस को जानने के लिए सबसे पहले हम सब्सटेंस के बारे में पढ़ेंगे, मिक्सचर के बारे में पढ़ेंगे, फिर ये पढ़ेंगे कि वो सेपरेशन जो उसका है इम्पोर्टेंट इतना क्यों होता है. तो जैसा कि हमने अगर घर में देखा है, तो कभी हम राइस लेने गए मार्केट से, पल्सेस लेने गए, तो उसमें क्या होता है, जो स्टोन्स वगैरह उसमें पड़े होते हैं, तो वो जो स्टोन्स हैं उनको हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो सेपरेट करते हैं. स्टोन को अलग निकाला, राइस को अलग निकाला, पल्स को अलग निकाला, स्टोन को अलग निकाला, ऐसा किसलिए करते हैं, ताकि जो हम बनाएं तो उसमें हमारे जो खाने में है उसमें स्वाद में कोई कमी ना आए, टेस्ट में कोई कमी ना आए. क्योंकि अगर ऐसा करेंगे तो हमारे अगर दांतों में कंकड़ वगैरह आ जाएंगे तो उससे हमारा क्या हो जाएगा, खाने का स्वाद खराब हो जाएगा. तो वो इम्पोर्टेंट है, एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसको हमें निकालना ही निकालना होता है. इसी तरह से और भी एग्जाम्पल लेते, जैसे कि अगर हमने चाय बनाई घर में, तो चाय से क्या होता है, टी लीव्स होता है, उसको टी से अगर निकालेंगे तो वो भी जरूरी होता है, क्योंकि वो इम्प्योरिटीज के फॉर्म में होता है. टी लीव्स जो है हम उसको ड्रिंक करते समय उसको नहीं ले सकते. इसी तरह से अगर हमने देखा है, अगर हमें बटर निकालना है तो मिल्क से बटर निकालते हैं, उसको चरनी करके. तो इन सारी चीज़ों का हम देखा कि कंपाउंड यूज करते हैं, मतलब सेपरेट करते हैं. अब जैसे कि आप अगर बड़े बड़े कंपोनेंट हैं, मान लो आप मार्केट गए, मैंगो ले आए, गुआवा ले आए, कि पॉलीथिन में, तो उसको हम सेपरेट करना आसानी से कर लेंगे, क्योंकि उसमें जो है वो बड़े बड़े हैं और उसको हम आसानी से ले भी लेंगे. लेकिन क्या होगा, जैसे कि अगर हमने क्या साल्ट को किसमें मिक्स कर दिया गया, सैंड में मिक्स कर दिया गया, साल्ट लिया 100 ग्राम वो लिया, साल्ट और सैंड लिया, दोनों को हमने मिक्स कर दिया. उसके बाद अगर हम सोचें कि हैंड पिकिंग से हम एक पीस निकाल पाएं, तो वो ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए हम मिक्सचर है, तो वो हमारा आसानी से सेपरेट नहीं होगा, ठीक है ना. तो ये है, मतलब इतने टाइप का सेपरेशन है. तो कौन सा सेपरेशन इम्पॉर्टेंट है, कौन सा नहीं है, ये हमें उसकी जो यूजेस बताते हैं, कि उसका जो हमारे डेली लाइफ में या हमारे इसमें लाइफ में कितना यूज है, तो वो उसका इम्पोर्टेंस है, ठीक है ना. तो जैसे कि हम बात करते हैं कि अभी हमने एग्जांपल दिया कि जैसे कि टी लीव्स, सो टी से उसको निकाला, तो क्यों निकाला, जो टी लीव्स थी वो इम्प्योरिटीज थी. अच्छा, निकाल लिया, उसके बाद क्या किया, जो टी लीव्स थी उसको हम फेंक देते हैं, उसको रखते नहीं है, जो हमने निकाल लिया कंपोनेंट, ठीक है. उसके बाद हमने, अब हर बार जो चीज़ हम निकालते हैं वो चीज़ यूजलेस नहीं होती, कुछ यूजफुल भी होती है. जैसे कि टी लीव्स थी वो हमारे लिए यूजलेस थी, उसी तरह से स्टोन निकाला हमने राइस में से, तो भी हमारे लिए यूजलेस था, इम्प्योरिटीज था, तो उसको हमने बाहर फेंक दिया, तो ये हमारा यूजलेस था. लेकिन जबकि अगर हम मिल्क से हम बटर निकालेंगे, तो जो बटर है हमारा वो यूजलेस नहीं है, उसका क्या बना लेंगे, उसी बटर से घी वगैरह बना लेते हैं. कर्ड, मिल्क से कर्ड बना दिया, तो कर्ड को अगर हम रखेंगे चर्बी करेंगे, तो उससे भी हमारा क्या निकल आएगा, बटर निकल आएगा, उससे घी निकाल लेते हैं. तो वो हमारा यूजफुल था, इसलिए इसको हमने बाहर थ्रो नहीं किया हमारे. तो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट समझिए आप क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट से ही हमारी जो डेली लाइफ में है, अगर उसमें कोई ब्यूटीज आ रही है तो उसको मिस करते हैं. तो सबसे पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, Why separation of substances is important? Important इसलिए है क्योंकि separation of components में जो impurities होती है उसको separate करना जरूरी होता है, क्योंकि impurities को हम eat नहीं कर सकते, खा नहीं सकते. तो why separation of components, separation of substances are important because in the mixture, लिखेंगे in the mixture जो impurities होती है, present होती है, तो impurities को remove करना, रिमूव किया ही जाता है, क्योंकि इम्प्योरिटीज को वो एडिबल नहीं होती है, बिकॉज इम्प्योरिटीज आर प्रेजेंट एंड इम्प्योरिटीज आर नॉट एडिबल, वो हमारे खाने लायक नहीं होती है, अगर खाने वाली चीजों में प्रेजेंट होती है, इसलिए उसको हम बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है ना. तो अब हम बहुत सारे मटेरियल करेक्ट करेंगे, उसमें देखेंगे. इस तरह से पोहा को भी अलग कर दिया जाता है, इसी तरह से आपने ग्रेन देखा होगा, उसको जो होता है उससे अलग कर लिया जाता है, दाने वगैरह जो हमारे पास फसल होती है उससे भी अलग कर लिया जाता है. इसी तरह बहुत सारे, जैसे अब हस्क वगैरह होता है उसको विनोइंग से अलग कर लिया जाता है. तो जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट है उसके बहुत सारे मेथड है, जैसे हैंड पिकिंग हो जाएगा, हाथ से निकालना है ना, हार्वेस्टिंग हो जाएगा, थ्रेसिंग हो जाएगा, विनोइंग हो जाएगा, इसके जो भी मेथड है
वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, एक एक मेथड या फिर सारे मेथड एक ही साथ बता देंगे, जैसा भी आपके एनसीईआरटी बुक में है तो वैसा मेथड बता देंगे। तो इस वीडियो में केवल आप इतना ही देखें कि सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस क्यों इंपॉर्टेंट है, किन-किन का सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस एसेंशियल है, और जो सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स है, अगर दूसरा मिला कंपोनेंट उसको हमने बाहर फेंक दिया, कब बाहर फेंका, जब ग्रोटिस थी कब उसका यूज, कब बाहर नहीं फेंका, जब उसका भी यूज कर सकते तब उसको हमने बाहर नहीं फेंका। थैंक यू।